हेलो, कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? आई थिंक सब ठीक ही होंगे। तो हमने पहले लेक्चर में जो भी पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो भी हम लोगों ने पढ़े थे, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस बार। आई होप कि आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो, इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। आप लोगों को अगर मेरा ये हिंदी में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे गुजराती लेक्चर भी सारे देख सकते हैं। उसमें कंटेंट गुजराती में होगा, पर आपको सारे कंसेप्ट उसमें आप इजीली समझ पाओगे। तो स्टार्टिंग हमने किया था ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे वर्क होता है। दो टाइप की प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहती है, और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों आती है। पर उसमें ये हमारे सिलेबस में जो कंसेप्ट दिया गया वो दोनों साथ में दिया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टू टाइप्स है, स्ट्रक्चर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हम सीख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड एनी एंटिटीज इट्स कॉल ऑब्जेक्ट्स, वो भी हमने सीख लिया था। फिर प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स, मान लिए कि नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते तो उसको एंटिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। फिर बिहेवियर के बारे में हमने भी चेक किया था, जो भी चीज़ डे बाई डे चेंज होती रहती है, अपने आप अपडेट होती रहती है, उसे बिहेवियर भी कहते ही है। फिर मेथड्स, फिर क्लास के बारे में भी हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया था, कोई भी पर्सन नाम क्लास है उसकी ये सब एंटिटीज है, और उसका ये डेटा और बिहेवियर और स्टेट है। कोई पर्सन का डेटा है तो उसे कहेंगे स्टेट, बिहेवियर, और उसकी डेटा और वैल्यू भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 7 में और डीपली मैं डिस्कस करूँगा, पर अभी आपको ये सारे के सारे डेटा जो भी है, हमें जो ये थियोरेटिकल चैप्टर है वो भी हमें याद रखना है। फिर उससे भी इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर 8 मार्क का है। 8 मार्क आपको अगर लेने हैं तो इसमें से सबसे ज़्यादा कवर कर सकते हैं 8 मार्क। इस बार जो सिलेबस हमारा कट आउट हुआ इसमें से ये चैप्टर में से 12 मार्क का पूछा गया, और आप अभी 12th में आओगे तो 8 मार्क का पूछा जाएगा। इसमें भी इम्पोर्टेंट UML, ओ माई गॉड, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, हमें ओ माई गॉड याद रखेंगे तो अपने आप यह याद रह जाएगा। कब शुरू हुआ था यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें भी 3 मेन पार्ट है, वो याद रखने, नेम ऑफ क्लास, फिर एट्रीब्यूट्स आते हैं, और फिर बिहेवियर, स्टेट और मेथड्स, ये तीनों चीज़ें हमें याद रखने, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये तीनों इसकी सिंटैक्स है कि ये इस तरह से ये UML डायग्राम रिप्रेजेंट होता है और इस तरह से बनाया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर सॉफ्टवेयर बनाने जाएगा और जावा प्रोग्रामिंग का यूज़ करेगा, और उसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट से प्रोग्रामिंग करने जाएगा, यूज़ करता है, तो ये इसके लिए पहले उसको जो एनालिसिस होगी और जो डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी बनाएगा उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसका एक एग्जांपल भी हमने देखा था। इसके बाद उसकी सिंटैक्स और क्लास, इसके बाद आता है इनकैप्सुलेशन। तो देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। बेसिक भाषा में आपको कह दूँ तो इनकैप्सुलेशन इट मीन्स कि हमें हैकिंग से बचाता है, हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रखता है, और हमारे डेटा में कोई भी आउट ऑफ सोर्स, कोई भी क्लाइंट या कोई भी प्रोग्राम ऐसे आपके प्रोग्राम में फिट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकते इसीलिए। हाँ, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं तो वो पब्लिक हो जाता है, तो वो सारे लोग देख सकते हैं, सारे लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो सब हो सकता है। पर अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आपका डेटा को हैक कर सकता और आपका डेटा सिक्योर नहीं रहेगा, ऐसा कोई बात इसमें होती नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर एनी कंप्यूटर प्रोग्राम 2 कोर एलिमेंट्स आर डेटा एंड फंक्शन, ये हमें याद रखना है। कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं उसमें 2 बड़ी चीज़ मेन होती है, और वो होती है डेटा और फंक्शंस। स्ट्रक्चर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग व्यू दिस 2 कोर्स एलिमेंट्स एज 2 सेपरेट एंटिटीज, वेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्यूज देन अ सिंगल एंटिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों का डिफरेंस हमें बताया गया है, स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग में ये दोनों अलग अलग दिखाई देते। कौन सी चीज़ अलग अलग दिखाई देती है, तो कि डेटा और फंक्शन। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दोनों चीज़ एक ही सिंगल यूनिट में आते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लास। क्लास के अंदर ही फंक्शन भी आ जाता है और हमारा डेटा भी आ जाता है, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्टली हमारे क्लास के अंदर नहीं घुस सकता, अगर क्लास के अंदर घुस भी गया तो डायरेक्टली कोई भी फंक्शन पे नहीं घुस पाएगा, इसीलिए ये इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट जावा प्रोग्रामिंग में आया। इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग डेटा कैन बी अल्टरेड बाय एनी कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम,
इट इज़ नॉट प्रोटेक्ट फॉर मॉडिफिकेशन. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग इनकैप्सुलेशन. जो ऊपर की चीज कही है उसका पूरा का पूरा सार इसी लाइन में है. देखो ये लाइन हियर डेटा एंड मेथड दैट मैनिपुलेट डेटा आर गार्डेड अगेंस्ट मॉडिफिकेशन और मिस यूज बाई अदर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम. इट मीन्स कि हमारे डेटा को क्या करता है, गार्ड अगेंस्ट मॉडिफिकेशन. कोई भी मॉडिफिकेशन आपके प्रोग्राम में करना है तो इसलिए कोई नहीं कर पाएगा, उसको गार्ड बना देगा. होता है ना कवच, गार्ड. आप समझ गए ना मेरी भाषा में क्या कहना चाहता हूँ. अगर इस पेन को खोलना है तो उससे पहले मुझे उसका गार्ड खोलना पड़ेगा, फिर उसके अंदर रिफिलिंग होती है, फिर वो उस रिफिल में चेक करूँगा, फिर रिफिल में चेंज करूँगा. समझ गए? तो ये पहले का गार्ड जो होता है वो मुझे हटाना पड़ेगा. तो जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डायरेक्टली कोई इजीली गार्ड नहीं हटा सकता, जबकि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में ऐसा हो जाएगा. आप लोगों ने स्ट्रक्चरल प्रोग्राम भी नहीं सीखा है और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप लोगों ने नहीं सीखी है, तो आपका उसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कैसा होगा, क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो हमें जो यहाँ कंसेप्ट दी गई वो सारे कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए. हमें वो दूसरी चीज़ है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं. हमें अभी यहाँ जो सिखाया जा रहा है कि इनकैप्सुलेशन इट मीन्स गार्ड टू अवर डेटा एंड नॉट मॉडिफिकेशन ईजिली फॉर अवर डेटा. ओके, दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डेटा एंड मेथड्स ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड मैकेनिज्म. ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ के यहाँ तक का जो मैंने अभी बोला वो इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन किसे कहा जाता है? दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डेटा मेथड्स ऑफ अ प्रोग्राम. किस किस को वो करता है प्रोटेक्शन? डेटा मेथड्स, इस टाइप के मैकेनिज्म कहते हैं इनकैप्सुलेशन. बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद रखना नहीं है. दिस इज पॉसिबल बाय द रैपिंग डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट नोन एज अ क्लास एंड डिस्क्राइबिंग देम एज प्राइवेट. ओके, ये भी समझ में आ गया कि अगर मुझे मेरा कोई डेटा है उसको मैं प्राइवेट कर दूंगा तो वो डेटा किसी को भी दिखाई देगा नहीं. फोर टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी आपको मैंने अगली जो हम लोगों ने यूएमएल डायग्राम देखा था उसमें था. तो पहला कौन सा था? प्राइवेट. दूसरा कौन सा था? प्रोटेक्ट. तीसरा कौन सा था? पब्लिक. और फोर्थ वन क्या था? पैकेज. ये चारों के साइन है. इसको लिखा भी जाता है, यहाँ प्राइवेट लिख दो तो प्राइवेट आ जाएगा. प्राइवेट ऐसे कीवर्ड का यूज़ होता है. ये प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा डीपली, पर अभी तो हमें ये सिर्फ साइन ही याद रखने की ये साइन कौन सी है, ये साइन कैसे काम करती है. प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास आर नॉट अवेलेबल डायरेक्टली टू आउटसाइड द वर्ल्ड. इजीली हमको सब समझ में आ गया है कि डायरेक्टली किसी को भी मिल सकते नहीं है अगर हमने प्राइवेट विजिबिलिटी का यूज़ किया है तो. अदरवाइज हम प्रोटेक्ट, पब्लिक और पैकेज का यूज़ करके तो डायरेक्टली दिखाई भी दे सकता है. डायरेक्टली किसको दिखाई देगा? जिन लोगों ने पब्लिक विजिबिलिटी का यूज़ किया है वही दिखाई देगा. दस इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग कैपेबिलिटी. ओके, ये भी याद रखना है. वी विल स्टडी अबाउट द क्लास एंड द प्राइवेट पब्लिक एंड डेटा एंड मेथड इन लेटर चैप्टर. ओके, ये बिल्कुल सही बात है. हम सेवन्थ चैप्टर में या नाइन्थ एट्थ चैप्टर में सीखेंगे, अभी की कोई ज़रूरत नहीं है. इनकैप्सुलेशन कीप्स द डेटा सेफ फ्रॉम इनिटेंडेंट एक्शन. मीन्स के जो मेलवेयर्स होते हैं, एंटी मेलवेयर्स होते हैं, वो सबसे बचने के लिए, हैकिंग से बचने के लिए. इसके लिए हम कहते हैं जिसका कोई ऐसा काम हो जिसे हमें ख़राब करना, हमें डेटा को ख़राब करने का कोई किसी को इरादा होता है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते यूजिंग इनकैप्सुलेशन. इंडिपेंडेंट एक्सेस बाय आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. कोई एरा गेरा कोई भी आपके डेटा प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में घुस के कुछ भी कर सकता नहीं है. अनलाइक द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वेयर कॉमन डेटा एरिया आर ऑफन यूज फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कवरेज डायरेक्ट एक्सेस टू कॉमन डेटा बाय अदर प्रोग्राम्स. ओनली द ऑब्जेक्ट दैट ओन्स द डेटा कैन चेंज इट्स कंटेंट. यस, कौन चेंज कर सकता है? ऑब्जेक्ट ओनली चेंज कर सकता है और कोई चेंज कर सकता नहीं है. ठीक है, द डेटा कैन बी चेंज इन कंटेंट. अदर ऑब्जेक्ट कैन बी व्यू और चेंज दिस डेटा बाई सेंडिंग मैसेज टू ओनर.
हमें अगर कोई डेटा को चेंजेस करना है तो हमारा जो ओनर होता है उसे कह के हम डेटा चेंज करवा सकते हैं यूजिंग इनकैप्सुलेशन प्रोग्रामिंग, विदाउट किसी को बताकर, बिना बताया आप कोई भी डेटा चेंज कर सकते नहीं, उसके भी परमिशन आती है, उसका भी कई सारे रूल्स होते हैं जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर, ये सारी की सारी चीज़ मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ वो सब बड़े लोगों का ख्याल है, बड़े लोग इट मीन जो डेवलपर्स है, जो कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं उन सब के लिए ये काम की चीज़ है। हमारे लिए तो इसीलिए काम की चीज़ है क्योंकि हमें 12th कंप्यूटर पास करना है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो अरे यार क्या यार, कंप्यूटर में फेल हो गए, कंप्यूटर सब्जेक्ट में फेल हो गए। हाँ, ऐसा जब भी कोई आपको बोले ना तो उसको पहले बोलो ये ले ये क्वेश्चन ये सॉल्व कर पहले तू चल ले, ऐसा बोलना आप किसी को अगर कंप्यूटर ऐसा कोई बोले ना, अरे यार एकदम ईजी सब्जेक्ट है कंप्यूटर में कुछ नहीं, तो उनको एक बार ये ऑब्जेक्ट का इनकैप्सुलेशन, चल ले बता मेरे को इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी दो तरह के लोग हमारे आसपास दुनिया में घूम रहे हैं, एक ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमारे घर पे आते हैं तो बोलते हैं अरे वाह वाह तुम तो साइंस कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा, मेहनत करोगे तो पास होगी, ऐसे अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग मिलेंगे। और एक मिल रहे हैं जो नेगेटिविटी का पूरा झोला अपने साथ अपने माइंड में लेके घूमते हैं, वो ऐसे भी बोलते रहते अरे यार तुम साइंस तुमने किया है, अरे यार बहुत कठिन होता है, ध्यान रखना यार साइंस में तो ये हो जाएगा, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, 15-15 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। हाँ सही है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ बताते रहेंगे। ऐसे लोग मिले ना उसको एक मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन दे देना, ये ले चल सॉल्व कर, तेरे से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सलाह मैंने नहीं मांगी है, उसको ऐसा बोलो मैंने सलाह नहीं मांगी, मैं जैसा हूँ मुझे पता है मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, किस तरह से मुझे खुद को मोटिवेट रखना है, क्या है, वो सब आपको ही बताए और दूसरे को किसी को नहीं बताए। मतलब पहले हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, क्यों कर रहा हूँ, साइंस क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये अपने आप पहले पता होना चाहिए, फिर दूसरों की झोली में झोंकना है। हमारे अच्छे मार्क आने, कई सारे लड़के लड़कियों के कम मार्क आ रहे हो तो उसका एक ही कारण होता है, वो पूरे दिन क्या करते रहते हैं अपने, चलो केमिस्ट्री में आए 50 में से 32, ये तेरे कितने हैं देख तो, तेरे कितने हैं देख तो, अगर उसको 45 आ गए 50 में से और तेरा 32 आया है तो तू कंपैरिजन में ही रह गया भाई, तू कभी कंपैरिजन में से बाहर ही नहीं आया है। जब तक ये कंपैरिजन कम नहीं होगी तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ही फोकस करना है, अपना ही मार्क्स देखना है, अपनी प्रिपरेशन देखना है, हमें क्या करना है वही हमें सोचना है, पहले दूसरे के मार्क देख लेते फिर अपने देखेंगे। कई सारे लोग तो एप्लीकेशन में आते हैं तो सिर्फ टॉपर्स का रिजल्ट देखते हो, इस बार तो हमारे टॉपर्स ये, पर ये कभी नहीं सोचते कि टॉपर्स में मेरा भी कभी नाम हो, नहीं ठीक है चलो टॉपर्स के नाम देख ले, ये तो होना ही था, इसका टॉपर्स में तो नाम आने वाला था, ये तो टॉपर्स बहुत पढ़ने में होशियार है तो इसका मार्क तो आएगा ही। भाई वो ऐसे ही नहीं लाता है, वो मेहनत करके मार्क्स लाता है, तुम भी ला सकते हो, कैसे लाना है तो वो आप पे डिपेंड करता है, दूसरे तीसरे के मगज में कचरा डालने से कुछ नहीं आता है। पहले तो दूसरे जो लोग अपने आसपास जितने सारे लोग हैं, ये दो तरह के लोग को जो मैंने अलग किया ना, वो दोनों से अलग ही रहिए, इससे दूर रहिए। आप बस सिर्फ फोकस करो अपनी मेहनत पे, 5 घंटे 6 घंटे जितना भी टाइम मिलता है जो भी करो बेस्ट करो, अच्छी तरह से करो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माइंड बार बार माइंड का कंसंट्रेशन अगर खो देता हो तो कोई बात नहीं, होना ही चाहिए। इस वक्त अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं चेंज नहीं होता है बार बार तो आप समझ लो कि दिक्कत में हो, होना ही चाहिए। कंसंट्रेशन एक जगह पर फोकस कब होना चाहिए कि जब भी हमें इच्छा होनी चाहिए कि आज नहीं ये काम पर्टिकुलर कंप्लीट करना है, ये काम कंप्लीट करना है तभी ये काम होगा, इसी वजह से ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे भी प्रिपरेशन करते हो करते रहो, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में भी ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया था क्योंकि अभी सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, डायरेक्टली थियोरिकल कंसेप्ट कैसे याद करें, हमने कभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं किया, सब छोड़ दो दिमाग में सब निकाल, अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन को डेटा को प्रोटेक्ट करता है, किसी को किसी तरह को डेटा घुसने नहीं देता है, हमारा डेटा कैसे हो रहा है क्या काम हो रहा है किसी को पता नहीं चलता है। इट मींस कि हमारे डेटा को सिक्योर करने का जो काम है वो जावा प्रोग्रामिंग में कौन करता है, तो इनकैप्सुलेशन करता है। बस यही चीज़ हमें याद रखनी है, ऐसे कंसेप्ट याद रखने, इसी तरह से MCQ आएंगे और यही MCQ सारे के सारे हमें याद रखने।
आप लोगों ने एक छोटी सी मैं स्टोरी आपको बोलता हूँ, आप लोगों ने सुनी होगी, मुझे पता नहीं है, सुनी होगी तो भी बेस्ट है, नहीं सुनी होगी तो भी सुनो। एक बार छोटू और मोटू एक दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव में मकर संक्रांति का त्यौहार था, सब लोग घूम रहे थे, पूरी पूरे गांव में सब लोग काइट्स पतंग उड़ा रहे थे। तो छोटू और मोटू दोनों पक्के दोस्त थे और उसकी मिसाइल पूरे गांव में दिया जाती थी, देखो दोस्त बनना है तो इस तरह से दोस्त बनो दोनों का। तो दोनों में एक मंदिर था, एक मस्जिद थी, सब कुछ एक गांव जैसे होता है, हम जैसे इमेजिन करते हैं एक गांव, तो ऐसा बहुत बढ़िया हरियाली वाला एक गांव था, प्रकृति ने चारों तरफ अपने पंख फैला हुआ ऐसा गांव था। तो वो मकर संक्रांति के दिन दोनों छोटू और मोटू, मोटू मतलब मेरे जैसा, छोटू मतलब जो भी आपको छोटू इमेजिन आए वो आप सोच लें। तो दोनों खेलते 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 गांव से 3-4 किलोमीटर दूर चले गए और 3-4 किलोमीटर दूर पतंग खींचते 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 उड़ाते चले गए। तो मोटू कुएं में गिर गया, मोटू मतलब मैं, आप सोच लो 100 किलो जैसा वजन था, 80 किलो जैसा वजन था, ऐसा मोटू था और वो गिर गया कुएं में। और छोटू सब जगह ढूंढ रहा है कहाँ गया, वो अपने नाम से चिल्लाने लगता, मोटू तू कहाँ पे, मोटू चिल्ला रहा है कुएं में से कि मैं कुएं में गिर गया, तो जल्दी से मुझे बाहर निकाल। और छोटू रोने लगता है, अरे क्या हो गया, मेरा दोस्त कुएं में गिर गया, अब मैं क्या करूँगा, अब कहाँ जाऊँगा। वो सोचता है, कुछ भी लाठी लेता है, कुछ भी करता है, कुछ समझ में नहीं आता है, खूब रोने लगता है। रोते रहते वो दौड़ता रहता है, कुछ ऐसे रस्सी वस्सी कुछ ढूंढ रहे हैं, तो बाजू के कुएं में से, बाजू के खेत में से वो रस्सी लेके आता है और रस्सी लेके आके छोटू को डालता है, ये ले पकड़ ले रस्सी, और वो रस्सी से मोटू को खींच रहा है। छोटू धीरे धीरे ऊपर ले रहा है और रोता जा रहा है, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे को खींच लूँगा, तू परवाह मत कर, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को खींच लूँगा, ऐसे खींचता रहता है। और मोटू बाहर आ जाता है, मोटू बाहर आता है और बाहर आके फिर दोनों गले लगते, गले लग के छोटू मोटू के कंधे पर बैठ के फिर चलते जा रहे, गाँव में जा रहे। दोनों बहुत खुश थे कि आज मेरा मोटू मेरा दोस्त बच गया, छोटा बहुत खुश था। घर पे गए, सब अपने अपने घर पे दोनों ने बात की कि आज छोटू ऐसे, मोटू आज गिर गया था कुएं में और मैंने उनको बचाया, छोटू ने ऐसे घर पे कहा, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे देख तेरी क्या वो वजन है और उसका क्या वजन है, तू थोड़ी ना उसे खींच सकता है, नहीं खींच सकता, तू गलत बोल रहा है, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। मंदिर के पुजारी के पास जाते, वो भी कहे हाँ सही है, मोटू गिर गया था तो छोटू ने खींचा, वो सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो पंचायत, बड़ी पंचायत आई उसको साबित करने में कि ये दोनों की तो दोस्ती, क्योंकि दोनों पूरे गांव में फेमस थे और ये बात को प्रूव करने थे कि छोटू ने मोटू को खींचा था कुएं में से बाहर निकला था कैसे, हाउ। तो मस्जिद पर गए तो एक मौलवी साहब जो थे उन्होंने बोला था कि ये बात सच है, कहा ये बात सच है, पूरी सच है, कैसा हो सकता है कि छोटू ने मोटू को कुएं से बाहर निकाला है, कैसे। सब लोग ऐसे होते हैं ना निकम में, लोग आजू बाजू में इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं, उन लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे भाई हो सकता है, हमने देखा है, छोटू ने खुद निकाला है मोटू को बाहर। वो मौलवी साहब ऐसे बोलने लगे, तो मौलवी साहब ने तब बोला, सबको शांत रहने को कहा और बोला, वो 2-3-4 किलोमीटर जो कुओं में मोटू गिर गया था और छोटू खींच रहा था, तब भी उसके 3 किलोमीटर आसपास कोई उसे ऐसा कहने वाला नहीं था कि तेरे से ये नहीं होगा, तू उसको नहीं खींच सकता, उसका वजन ज्यादा है, ऐसा कोई उसे कहने वाला नहीं था, इसीलिए वो छोटू मोटू को खींच के बाहर निकल पाया। उसी वक्त छोटू को सिर्फ इतना ही दिखाई देता था कि मेरा दोस्त अंदर है, उसे कोई किसी भी तरह से मुझे बचाना है, और कुछ नहीं दिमाग में था। और वो बचाने में ही, उसके दोस्त की बचाने में ही उसको पूरा का पूरा बल उसने लगा दिया, उसके पूरी जी जान से मेहनत कर। तो ये स्टोरी से मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके माइंड में ऐसे कचरे डालने लगेंगे, तू ये नहीं कर सकता, तुझसे यह नहीं होगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे से इतने मार्क्स नहीं आएंगे, तू कभी मेहनत नहीं करता है, तू कभी ऐसा नहीं करता है, कई सारे लोग ऐसे कहने वाले हैं। तो उससे हमेशा हमें दूर रहना है, कभी भी उससे पास नहीं आना है। नेगेटिव पर्सन से आप जितना दूर रहोगे उतनी आपकी अच्छी पढ़ाई होगी, इतना अच्छा करियर बनेगा। कभी हम खुद ही नेगेटिव बात कर लेते, सर हम खुद नेगेटिव बात करते तो हमसे कोई दूर नहीं जाता है। तो आप भी नेगेटिव बात करना बंद कर दो, हमसे ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, और दूसरे की कंपैरिजन तो कभी मत करो कि इतने, इसको तो इतने मार्क आते हैं, मेरे तो सिर्फ इतने ही आते, ऐसा मत करो। आप उससे भी ज़्यादा मार्क ला सकते हो, उससे भी अच्छा मार्क लाते हो,
फोकस कहाँ पे है, फोकस नहीं है हमारे पास, फोकस नहीं है इसीलिए ये सब दिक्कतें आ रही है। कोई एक जगह पे अगर फोकस होता ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जो आप जितने मार्क्स लाना चाहते हो, जितनी मेहनत करना चाहते हो वो ला सकते हो। कई सारे लोग के दिमाग में ऐसा ही कचरा भरा होता है, हमारा तो फंडामेंटल अच्छा नहीं है, हमें तो मैथ्स का ये बेसिक सी फंडामेंटल नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकती। वो सब चीज़ छोड़ दो, हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, मेहनत करनी है, मेहनत करके मार्क्स अच्छे लाने हैं और कुछ नहीं। जब तक एग्ज़ाम है, जब तक जिएंगे, जब तक एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क हमें लाने, बस यही माइंड में डाल दो। आप कोई भी एग्ज़ाम हो गया पास हो जाओगे। और याद रखना है कि इर्द गिर्द ऐसे जितने भी ऐसे लोग हो जो नेगेटिविटी आपके माइंड में कचरा डाल रहे हैं उसे दूर रहिए। आपके घर में मेहमान आते हैं, आपका भाई है, कोई बहन है, ये कहेंगे कि तेरी ताकत नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि पढ़ाई में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, वरना आप लोग तो साइंस के लड़के लड़कियाँ हो, मुझे पता है आपके आपके कंसेप्ट, आपके माइंड कहाँ कहाँ घूमने लगते हैं बार बार। क्लास में सारे बच्चे बैठे होते, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, वो सबको सेम ही पढ़ाते हैं, फिर भी सबको याद नहीं रहता है, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होता है, हमारा फोकस नहीं है, कोई गोल नहीं है कि क्या करना है। अगर गोल होता, फोकस होता, कोई एक एक चीज़ पे हमको जी पॉजिटिव रहता है तो वही चीज़ सबको याद रहती है सेम टू सेम। ठीक है, तो ये छोटू मोटू की स्टोरी से आपको पता चल गया होगा कि माइंड में कोई भी कचरा डालना नहीं है, कि कोई भी जैसा भी बोले, नेगेटिव बोले, उससे दूर हट जाओ, या फिर उसको एक बार बोल दो कि प्लीज़ ऐसी बात दूसरी बार मेरे सामने मत करना। पढ़ाई में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके 11th में कम स्कोर है तो 12th में सादा मार्क ला सकते हैं, उसका भी एक रीज़न है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती। अगर यही पेन है, कई सारे लड़के ऐसे 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 घुमाते रहते पेन हाथ में, मैंने कई सारे लड़कों को देखा है कि अपने हाथ में ऐसे ही पेन घुमाते रहते। मेरी प्रैक्टिस नहीं है, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो ऐसे ऐसे पेन घुमा सकता हूं, पर मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की है। जितनी 3 घंटे तक अगर वो एग्ज़ाम देगा तो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो 15 मिनट तक ऐसे ही पेन घुमाते रहेगा। तो एक दिन ऐसा हाथ आया कि वही पेन उसको इतनी परफेक्ट इसके हाथ में घूमने लगती है कि वो कोई दूसरा डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसके लिए दूसरे को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यही सिंपल लॉजिक है। रोज़ आप अपने घर में रहते हो, आपके घर की हर एक चीज़ को आप तो नहीं पता है, पर आपकी जो डेली रूटीन्स है वो आपको सबको पता है कि कहाँ नहाना जाना है, कहीं कहाँ खाना खाना है, रोज़ कहाँ खाना खाने बैठते हैं, किस तरह से कहाँ हमारा बेड है, कहाँ सोना चाहते हैं, वो सब आपको पता है। आपके घर में लाइट चली गई है फिर भी आपको पता है कि मेरा रूम इस तरफ है, मेरा बेड इस तरफ है, मेरे क्यों, क्योंकि आपको रोज़ आपको प्रैक्टिस हो गई है कि वही जगह पर जाना है, वही काम करना है। तो वो प्रैक्टिस ये सेम टू सेम एग्ज़ाम में, एक बुक में से एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया, पूरा रिविज़न कर लिया, ओके चलो मज़ा नहीं आया, वही चैप्टर दूसरी बार पढ़ो फिर भी नहीं मज़ा आएगा, वही चैप्टर तीसरी बार पढ़ो फिर भी नहीं मज़ा आएगा, 5 या 10 बार आप वही चैप्टर एक ही चैप्टर 10 बार पढ़ोगे तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। पर एक दिन ऐसा होगा कि वो एक ही चैप्टर में से कोई 10 क्वेश्चन निकलेगा ना, तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ कि वो 10 क्वेश्चन के आंसर आपको आते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं आता, नहीं आदत थी, नहीं पसंद था, फिर भी आपने वो 10 बार पढ़ा ना। हाँ, तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर में भी ऐसा ही है। जब कंप्यूटर सब्जेक्ट में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक ही क्वेश्चन अगर 10 बार आएगा तो 10 बार वो क्वेश्चन कैसे अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, वो जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ पढ़ो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बेस्ट वे परफेक्ट थॉट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस थॉट परफेक्शन आता है, उसके बिना परफेक्शन नहीं आता है। फिर एक दिन ऐसा लगे ओ ये तो मैंने पढ़ लिया है, चलो कोई बात नहीं, चलाओ सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा एक दिन आता है। और वो कब आता है कि जब उस पर ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करो। मेरा एक स्टूडेंट था, उसे पढ़ने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, वो कभी पढ़ता नहीं था, वो हर बार मुझे बोलता रहता था ये सर ये पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं करनी, मेरे को तो डायमंड में जाना है, पैसा मिलता है, ठीक है। आज वो एक PSI है, PSI ऑफिसर है और वो अहमदाबाद में है। तो मैं आपको ये बात बताना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि वो जब भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता था ना, तो वो एक जगह पे पढ़ने के लिए आधे घंटे तक नहीं बैठा सकता, 30 मिनट तक वो नहीं बैठ सकता था। 30 मिनट हो फिर खड़ा होकर चला जाता है, 2 घंटे घूम के आता है, फिर आधे घंटे पढ़ता है, फिर 2-3 घंटे घूम के आता है, आधे घंटे पूरे दिन में वो 2 घंटे पढ़ता था। और घर पर बोलता था मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब तक कोई चीज़ की आदत नहीं पाड़ोगे, आदत नहीं बनाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
आपको अगर JEE में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो JEE की प्रिपरेशन के लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे एक एक सब्जेक्ट को देखकर आपको प्रिपरेशन करना है, बैठना ही, आदत बना लो। हर रोज मुझे यही जगह पे आके बैठना है, यही पढ़ना है, यही जगह पे आके बैठना है, यही पढ़ना है। एक महीने तक ऐसी आदत डाल दो कि देखो दूसरे महीने अपने आप ही आप वही जगह पे जाके बैठोगे और सारी कोई भी पुस्तक होगी, ऐसा फिक्स नहीं है कि JEE की कोई भी बुक्स होगी, कोई भी होगा, वो जगह पे बैठ के आप प्रिपरेशन करने लगोगे। मतलब बिना आदत के आप कुछ नहीं कर सकते। मोबाइल की आदत है, 2 घंटे तक हम इंस्टा रील्स देख सकते, फेसबुक देख सकते, नई नई स्टोरी डालते रहते, व्हाट्सअप में चैटिंग करते रहते, फ्रेंड से बातें करते रहते, कोई कई सारे लोग हवा में किले बांधने लगते, ये सारी चीज़ें सब होती है, अभी आपके साथ होगी भी। मज़ा आ रहा है? चलो इनकैप्सुलेशन यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। इसका पूरा कंसेप्ट यही है कि हमारे डेटा को सिक्योर रखता है। उसके बाद आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हाउ? डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। एब्स्ट्रैक्शन इज कंसेप्ट दैट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स ए व्हाट इट डज बट नॉट हाउ इट्स डन। हमारे सिंपली भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि मोबाइल 1-to-1 आप हम मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं तो मोबाइल में से मैं कोई भी व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूँ तो मैसेज जाता है दूसरे को जिसे मैं भेजना चाहता हूँ, जिस सेंडर को भेजना चाहता हूँ, वो जब रिसीव करेगा तो वो किस तरह मैसेज बना, कैसे उसकी सेटअप हुई, कैसे प्रोग्रामिंग हुआ और वो किस तरह उनको पहुँचा, उसका जो प्रोग्रामिंग है, उसका जो डेटा है, उसकी जो प्रोसेस है, उनको हाइड करके रखता है। That's called data abstraction. Data abstraction को और कुछ नहीं कहा जाता है। Data abstraction को हिंदी में बोलते हैं अमूर्त बोला जाता है, जो है पर हमें दिखाई नहीं देता है, जो हो रहा है पर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता है, होता है सब कुछ, कैसे हो रहा है उसकी प्रोग्रामिंग में पता नहीं है, that's called data abstraction. Let's talk once real example life television set. Very good. We can turn television set on एंड ऑफ। ओके, हम कर सकते हैं चेंज द चैनल, ये भी हम करते हैं, एडजस्ट वॉल्यूम ये भी करते हैं, बट वी डू नॉट नो इट्स इंटरनल डिटेल्स लाइक हाउ टू रिसीव अ सिग्नल्स ओवर द एयर और थ्रू अ केबल, हाउ इट्स ट्रांसलेट देम एंड फाइनली डिस्प्ले देम ऑन द स्क्रीन। ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल सही है, इसमें से ही समझ में आ जाता है कि टेलीविज़न में से रिमोट में से हम चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, पर वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है वो हमें पता चलता नहीं है, बस हो जाता है, जैसे ऐसे बटन पर क्लिक किया तो चैनल अपने आप चेंज हो गई, तो कैसे हो रही वो हमें पता नहीं है। दैट्स ऑल इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसको याद रखना है तो इसके हमें एग्जाम्पल याद रखेंगे टेलीविज़न रिमोट। दस There is a clear separation of internal implementation of television set from its external interface. We can play with it via external interface like the power button, channel. क्या बोल रहे हैं? External interface and internal है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। Internal implementation कैसे होता है वो नहीं पता चलता और external तो हमें पता चल जाता है कि हम माउस के स्विच दबाते हैं, सॉरी रिमोट के स्विच प्रेस करते हैं, वो सब पता चल जाता है। Like a power button, channel charger and volume control without having any knowledge of its internal. तो इसे बोलते हैं data abstraction. Data abstraction thus is a technique to realize on the separation of interface and implementation. MCQ में पूछने वाली ये भी है, the technique that realize on the separation of interface एंड इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये दोनों का सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, पहले का अभी का नया आया है ऐसा नहीं है। मोस्ट पीपल ऑलरेडी प्रैक्टिस इट्स अप टू सम डिग्री प्रोबेबिलिटी विदाउट रियलाइजिंग इट। फॉर एग्जाम्पल वेन वी यूज फंक्शन लाइक अ स्क्वेयर 25 इन सी लैंग्वेज एंड प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड इन सी प्रोग्राम, वी नेवर थॉट ऑफ हाउ दे आर इम्प्लीमेंट। ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है,
ये कैसे काम कर रही है हमें पता नहीं, इसकी प्रोग्रामिंग क्या है वो हमें पता नहीं है, पर ये काम कर रहे हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा और 25 का स्क्वायर प्रिंट कर देगा, ठीक है। पर वो कैसे हो रहा है, किस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग हुई, वो सारा फंक्शंस हम नहीं देख सकते। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इट मीन्स जो प्रोसेस हो रही है क्या है, इसका डिफरेंस अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो इनकैप्सुलेशन डेटा को प्रोटेक्ट करता है, इस तरह प्रोटेक्ट करता है किसी को पता नहीं चलता इसके अंदर क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे अंदर घुसे, किसी को नहीं होता है, मतलब सिक्योर रखता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है, कोई भी प्रोसेस होती है प्रोसेस में क्या प्रोग्रामिंग की है, कौन सी चीज़ें हैं, वो किसी को पता नहीं चलती, कोई देख सकता नहीं है। इसमें मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, यस ये वाला एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट इज दैट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी इट्स व्हेन इट डज बट नॉट हाउ इट डन, इतना ही हमें याद रखना है। इसके बाद आ जाता है, इसका ही एग्जांपल है, अ यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ नेसेसरी इनपुट एंड इनपुट डेटा पैरामीटर्स आल्सो प्रोवाइड्स डेटा एब्स्ट्रैक्शन। लेट्स एज अ कंसीडर सी प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्चर फॉर डिक्लेयरिंग डेट टाइप ऑफ डेटा। हियर डेट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री एलिमेंट्स डे मंथ एंड ईयर। लेट अस यूज प्रिमिटिव इंटीजर डेटा टाइप फॉर दिस एलिमेंट्स। कंसीडर अ फंक्शन नेम डेट डिफ दैट्स टेक टू डेट्स एज अ पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ डे बिटवीन टू डेट्स। यूजर ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट सपोज टू नो हाउ इट्स डिफरेंस इज कैलकुलेटेड। देखो ये पूरी चीज में ऐसा हमें बोला गया है, आपको सुनते ही पता चल जाए, ये मैंने जब ये अभी रीड किया तभी पता चल गया होगा कि सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक हमने डेट नाम का एक टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है डेट टाइप का। उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, थ्री एलिमेंट्स रखते हैं डे मंथ एंड ईयर। अब इंटीजर नाम की मैं डेटा टाइप का यूज़ करता हूँ, ये जो चीज़ है वो इंटीजर बन जाएगी, ठीक है। फिर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है डेट डिफर, दैट्स टेक टू डेट्स एज पर पैरामीटर्स, इसके मैं दो पैरामीटर्स दूंगा दो डेट के, एंड इट्स रिटर्न्स द नंबर ऑफ डे बिटवीन दिस डेट्स। जो डेट है उस दोनों डेट्स का डिफरेंस हमें निकाल के देगा। पर वो कैसे कैलकुलेट हुआ है, किस तरह कैलकुलेट हुआ है, मैंने जो वो हमें ही पता है, जिसने प्रोग्रामिंग किया उसे ही पता है कि भाई एक स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर इतने एक डेट डिफ नाम सॉरी डेट दिया है, उसके अंदर थ्री एलिमेंट्स है और एक और फंक्शन बनाया है जिसमें डेट डिफरेंट बनाया है, डिफरेंट नाम का फंक्शन बनाया है। ये सारा कैलकुलेशन हमें पता है, पर वो किस तरह कैलकुलेशन करता है, कैसे कैलकुलेशन करता है, वो किसी को पता नहीं है। दैट्स इट आल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल। इट इज़ नेसेसरी टू नो ओनली द सिग्नेचर ऑफ दिस फंक्शन दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड द रिटर्न टाइप ऑफ पैरामीटर्स। इफ देर इज एनी चेंज इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंस इट हैज नो इफेक्ट ऑन द पार्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग दिस फंक्शन। ये इजीली बात है, इसको मैं ज़्यादा समझाने में टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, आपको इसमें ही समझ में आ जाएगा। दस डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड्स द स्केलेटन और टेम्पलेट फॉर ओवर यूज। यस ये भी सही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये एक टेम्पलेट जैसा काम करता है, कौन द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दिस सिस्टम हाइड्स सर्टन डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर क्रिएट मेंटेन एंड ऑल दैट इज विजिबल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर ऑफ द डेटा टाइप। डिटेल्स ऑफ हाउ दैट बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन आर हाइड सो दे कैन बी चेंज एज पर नीड विदाउट इम्पैक्टिंग अदर। मतलब जो कोई भी डेटा को मॉडिफिकेशन करने जाएगा तो उसको सारे के सारे डेटा में कोई चेंज करना पड़ेगा नहीं, ऐसे उसको सब समझ में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एडिटी और स्ट्रक्चर स्ट्रक इन सी सी प्लस प्लस क्लास इन सी प्लस प्लस जावा आर एग्जाम्पल फॉर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इन एडिटी इट मीन्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, वी सिंपली डिफाइन अ डेटा टाइप ऑफ अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन इट। वी डू नॉट शो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन, हम क्या ऑपरेशन कर सकते वो कुछ भी हम दिखा नहीं सकते। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज इनकैप्सुलेशन प्रोटेक्ट डेटा बाई मेकिंग देम इनएक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड एंड एंड
एब्स्ट्रैक्शन इनेबल्स टू रिप्रेजेंट द डेटा इन विच द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आर हिडन। जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हाइड करने का काम कौन करता है? एब्स्ट्रैक्शन। और इनएक्सेसिबल डेटा को एक्सेस करने से रोकना है तो कौन काम करता है? इनकैप्सुलेशन। दोनों का डिफरेंस ये, एक एक्सेस से रोकता है और एक जो प्रोसेस जो होती है प्रोग्रामिंग में कोडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी हम जिसे बोलते हैं उसको रोकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद है मैसेजिंग, वो हम अगले लेक्चर में कभी भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा आएगा तब हम उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितने भी वीडियो लेक्चर्स बनते हैं, जो भी बनते हैं, आप उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना। इन्वॉल्व तो आप होते ही है, पर पूरा लेक्चर देखना, जब भी टाइम मिले तब लेक्चर देखना। मैं किसी को भी ऐसा कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ कि आज ही आज वो पूरा लेक्चर देख लो, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स ओपन रहेंगे, आप जब चाहो तब देख सकते हो। पर जब भी एग्ज़ाम आए तब मत देखने बैठना, एक बार देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो भी टॉपिक्स ले रहा हो, सारे के सारे टॉपिक्स का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से याद रहना चाहिए, और वो याद रह गए तो आपको एमसीक्यू में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और रीडिंग हमें कैसा करना है, कौन सी चीज़ में रीडिंग करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुमार की दर्पण 12th की जो आती है, स्टैंडर्ड 12th की हमारी जो दर्पण आती है वो हमें परचेस करनी है। आपको किसी की पुरानी मिल जाती है तो वो भी आप ले सकते हो, परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कुमार की दर्पण है, उसमें से सबसे ज़्यादा कंटेंट आता है, सबसे ज़्यादा उसमें एमसीक्यू है। मैं जो एमसीक्यू बना रहा हूँ वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। और आपको कौन सी मेथड से रीड करना है, पहले जितने वीडियो लेक्चर बनते हैं वो वीडियो लेक्चर को पहले देख लो, फिर एमसीक्यू रीड करने जाना, उससे पहले रीड करने मत जाना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।